नमस्कार दोस्तों, आज हम फोटोशॉप में ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइन करना सीखेंगे। हमारी वेबसाइट से जादू पीएचडी का डेमो डाउनलोड करने के बाद यह दो फाइल मिल जाएगी। इसमें की पहली फाइल जो है उसका एक्सटेंशन है .mmc, उसका एक्सटेंशन रीनेम करके हम .exe कर देते हैं और उसी फाइल पे डबल क्लिक करने से हमारा यह जादू पीएचडी का डेमो डाटा अपने डी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ डेस्टिनेशन फोल्डर डी ड्राइव यही रहने देते हैं। पासवर्ड है jaduex.in। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देता हूँ और पासवर्ड दे देता हूँ JADOOX.IN। ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारा यह डाटा अपने सिस्टम के डी ड्राइव में सेव हो जाएगा। तो हमारे सिस्टम के डी ड्राइव में जाकर यहाँ हमें दो फोल्डर मिल जाएंगे, जादू पीएचडी इंस्टॉलेशन और फुटेज। यह दो फोल्डर मिल जाएंगे। तो पहले हम जादू पीएचडी का सी ड्राइव का इंस्टॉलेशन कर देते हैं। उसमें हमें दिया है फोटोशॉप सीसी, यह इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करते ही हमारा फोटोशॉप सीसी का इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा अडोबे फोटोशॉप सीसी 2020 का वर्जन है। यह फोटोशॉप सीसी 2020 इंस्टॉल हो गया है। क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप शॉर्टकट से डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं। हमें चेक करना पड़ेगा यह इंस्टॉल हो गया है या नहीं है। क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, कोई भी साइज की फाइल क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ मुझे एडिट में जाकर एक प्रेफरेंस की सेटिंग चेंज करनी है। प्रेफरेंस में जाता हूँ और जनरल में जाता हूँ जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के, और यहाँ जो ऑटो शो द होम स्क्रीन यह ऑप्शन है इसका चेक मार्क मैं निकाल देता हूँ और ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ और फोटोशॉप क्लोज कर देता हूँ। अब हमारे डी ड्राइव जादू पीएचडी इंस्टॉलेशन फोल्डर में दूसरा सेटअप है एल्बम डीएस का, इसे भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। डबल क्लिक करने से ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश रखता हूँ, ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ, एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे आइकॉन चाहिए इसे चेक मार्क रखते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा एल्बम डीएस यह सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश बटन पे क्लिक कर देता हूँ और हमारा यह डेस्कटॉप पे एल्बम डीएस इंस्टॉल हो गया है। इसे अभी मत ओपन कीजिए, अभी क्रैक करना बाकी है। फिर मैंने जादू पीएचडी इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाकर तो इसमें दो सेटअप है। पहला सेटअप डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन शुरू कर देता हूँ। एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ जो पाथ आ रहा है वह डेस्टिनेशन फोल्डर का पाथ वही रहने दे और सिर्फ एक्सट्रैक्ट बटन पे क्लिक कीजिए तो यह हमारा जादू पीएचडी का डेमो डाटा इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसी फोल्डर में जो दूसरा सेटअप है इसे भी डबल क्लिक करके मैं एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ भी हमें डेस्टिनेशन फोल्डर का पाथ नहीं चेंज करना है, वही रहने देना है सी ड्राइव। एक्सट्रैक्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ये भी हमारा सेटअप हो गया है। इसी तरह से हमने फोटोशॉप, एल्बम डीएस और जादू पीएचडी का सेटअप तीनों सेटअप कर लिए हैं। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और डेस्कटॉप से एल्बम डीएस इस शॉर्टकट पे डबल क्लिक कर देता हूँ जिससे हमारा फोटोशॉप सीसी 2020 भी ओपन हो जाएगा और एल्बम डीएस यह सॉफ्टवेयर भी ओपन हो जाएगा। जादू पीएचडी से ऑटोमेटिक एल्बम बनाने का डेमो देखेंगे। पहले हम फुटेज में कैप्शंस, ये सभी कैप्शंस फोटोशॉप में ओपन करके इन्हें अपने दूल्हा दुल्हन के नाम से एडिट कीजिए। दूसरा फुटेज है रेगुलर क्लोजअप्स, पूरे क्लोजअप कलर करेक्शन करके उन इस तरह से रिनम कर उनका बैकग्राउंड कट करके पीएचडी फॉर्मेट में रखेंगे। स्टार्ट मेनू से एल्बम डीएस ओपन कीजिए। एल्बम डीएस ओपन होते ही हमें यहाँ टेम्पलेट विंडो और पिक्चर विंडो मिल जाएगी। टेम्पलेट विंडो के राइट साइड में डबल क्लिक करके प्रीमियर टेम्पलेट और रेगुलर टेम्पलेट के साथ पैड डिजाइन और डीएम पेजेस के भी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। प्रीमियम टेम्पलेट्स और रेगुलर टेम्पलेट्स को चेक मार्क लगा देता हूँ। यहाँ ऑटो फिटल का बटन ऑन कर देता हूँ। यहाँ पिक्चर विंडो में जाकर राइट बटन क्लिक करके ऐड पिक्चर्स कर देता हूँ।
मैंने डेस्कटॉप पे कुछ फोटोज रखे हैं, उनमें से कुछ फोटो मैं डेमो के लिए ऐड कर देता हूं। अगर आपके पास जादू किट या जादू एसएसडी इंस्टॉल्ड है तो आप यह जादू पीएसडी का डेमो जरूर डाउनलोड कीजिए। देखिए पिक्चर ऐड हो गए। अभी ये डेमो होने के कारण हमें सिर्फ कोई भी 6 फोटोज सेलेक्ट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें जो पसंद टेम्पलेट है और सिर्फ आपको ड्रैग कर उसी सेलेक्टेड किसी फोटो पे डालना है। टेम्पलेट्स यूज हुआ है इसलिए ब्लर दिखाई दे रहा है। मैं आगे के 6 फोटो सेलेक्ट कर देता हूँ और इनमें से कोई भी टेम्पलेट्स ड्रैग कर उन्हीं सेलेक्टेड फोटोज पे ड्रैग कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फोटो सेलेक्ट कर देता हूँ और टेम्पलेट ड्रैग कर देता हूँ। मैं और 6 फोटो सेलेक्ट कर देता हूँ। ये डेमो है इस कारण हमें सिर्फ 6 फोटो सेलेक्ट करना है, उसी के लिए टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। अभी यह 3 फोटो और यह 3 फोटो सेलेक्ट कर देता हूँ। कोई भी टेम्पलेट ड्रैग कर उन सेलेक्टेड फोटो पर ड्रैग कर देता हूँ। मैं अभी नीचे वाले फोटो रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें डेमो के लिए इतना काफी है। वो फोटो सेलेक्ट कर रिमूव सेलेक्टेड फोटोज पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने पूरे फोटोज को टेम्पलेट से लिंक कर दिया है। मैं किसी भी फोटो पर राइट बटन क्लिक कर स्मार्टली फिल एल्बम बटन पे क्लिक कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ, फाइनल ओके, और वह फोल्डर सेलेक्ट कर देता हूँ। ऑटोमेटिक एल्बम बनना शुरू हो गया है। इसे थोड़ा समय लगेगा, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। हमारे शीट्स तैयार हो गए हैं। अभी हम पैड डिजाइन और डीएम पेजेस का डिजाइन करते हैं। मैं एल्बम डीएस में टेम्पलेट्स विंडो में यहाँ पैड डिजाइन पे चेक मार्क लगा देता हूँ और रेगुलर और प्रीमियम डिजाइन्स का चेक मार्क निकाल देता हूँ। यहाँ का ऑटो फिल्टर बटन ऑफ कर देता हूँ। मैं जो भी पैड पसंद है उसे सिर्फ डबल क्लिक कर देता हूँ। एक डबल क्लिक में ही अपना पैड डिजाइन बन जाता है। इसके क्लोजअप एडजस्ट कर देता हूँ कंट्रोल टी से, रिपोजिशन कर देता हूँ, रिसाइज कर देता हूँ, यहाँ स्टूडियो का नाम डाल देता हूँ और यहाँ कुछ एडिट करना है तो वह भी एडिट करके मैं अपनी फाइनल डिजाइन सेव कर लेता हूँ। सेव एज करना, डेस्कटॉप पे फाइनल ओके फोल्डर में अपनी फाइनल डिजाइन जेपीजी और पीएचडी दोनों सेव कर लेना। अब हम डीएम पेजेस देख लेते हैं। जो भी पसंद डीएम शीट है उन्हें डबल क्लिक कर देता हूँ। मुझे अपने क्लोजअप से रिप्लेस होकर यह डीएम पेजेस तैयार मिलता है। उसमें कुछ चेंजेस कर अपने डिजाइन को और रिफाइन बना देता हूँ। अपने फोटोशॉप का स्किल यूज करके इस डिजाइन को और रिफाइन कर सकते हैं और इसे भी सेव एज अपने फाइनल फोल्डर में सेव कर सकते हैं। देखिए मैंने ऑटोमेटिकली एल्बम डिजाइन करने का डेमो दिखा दिया है। अगर जादू पीएचडी का डेमो डाउनलोड करने के बाद कोई परेशानी हो तो हमें एनी डेज से संपर्क कीजिए, हम अवश्य सहायता करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें, रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद।